डैड, आप आकर प्लीज मुझे पिक कर लेंगे अभी। लेखा, आप आज सुबह सुबह यहाँ, आई मीन आई एम सॉरी, गुड मॉर्निंग। कॉफी पियेंगी आप? मैंने कॉफी पीनी छोड़ दी है, मैं आ नहीं रही हूँ, जा रही हूँ। लेखा, इज एवरीथिंग ओके? आप अपसेट हैं, हम छोड़ दें आपको घर? क्यों, आपको और कोई काम नहीं है क्या? जब देखिए हमें पिकअप या ड्रॉप करने की बातें करते रहते हैं। आप सच में कोई काम करते हैं या बस यही काम है आपका? अब समझ में आया हमारी अलमारी में जो कपड़े टंगे हुए हैं सिस्टमैटिकली, आप उनसे इतना चिढ़ती क्यों हैं? Excuse me? क्योंकि आपके बेचारे कपड़ों के सर पे तो छत है ही नहीं। वो हमारे कपड़ों से एक्चुअली ना चलते हैं। सुरीली, एक चीज होती है अलमारी जिसके अंदर कपड़े रखे जाते हैं। हाँ, आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है? और एक चीज होती है कंफर्ट, आपको उसके बारे में पता है? वैसे हर किसी को ना लाइफ में आपकी तरह बोरिंग होने की जरूरत नहीं है, सिस्टमैटिक होना चाहिए। और मेरे इस पसारे में ना एक सीक्रेट है, मेथड टू मैडनेस, जिसमें मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। एनीवेज, छोड़िए इन सब बातों को। तो आप क्या कह रहे थे? हम आपको अपनी लाइफ के बारे में बता रहे थे। एक्चुअली एक सेकेंड, दिखा रहे थे। ये देखिए, ये रही हमारी दुनिया। माँ के बारे में आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। और ये तीन हमारे भाई हैं। मानवेंद्र, इन्हें मैं जानती हूँ। करेक्ट, हमारे शायर साहब हैं। और इनसे बड़े हैं राघवेंद्र, हमारे राइट हैंड हैं। हमसे पूछिए तो असल में बिजनेस की बैकबोन है वो। और सबसे छोटे लेकिन सबसे बड़े ड्रामेटिक है सांबेंद्र, हमसे 12 साल छोटे हैं, बिल्कुल बच्चे जैसे हैं हमारे लिए। एक बात बताइए, आप सब लोग बड़े पैदा हुए थे क्या? शिवेंद्र, राघवेंद्र, मानवेंद्र, सांबेंद्र, आई मीन छोटे छोटे बच्चों के ऐसे नाम कौन रखते हैं? हाँ, वो हमारी माँ से पूछ लीजिएगा। हम तो बस इतना ही बता सकते हैं कि ये तीन हमारी जान है। I know, I can understand. मेरे लिए साशा, तिया, पम्मी मासी, ये तीनों मेरी जान है। साशा वो मेरी राइट हैंड है, और दिया दिल है मेरा, और पम्मी मासी मेसी तो बैकबोन है मेरी। मैं इनके बिना तो सोच ही नहीं सकती अपनी जिंदगी। well, इस बात से तो हम अग्री करते हैं कि फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं होता। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए, ये माँ है, बाबा और छोटी सुरीली। हम उन्हें जरूर नमस्ते कहते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन ये तो बिजी लग रहे हैं बोस्टिंग में। बोस्टिंग मतलब? चेहरे पर रौनक तो देखिए, कितना गर्व झलक रहा है इनके चेहरों से। बेटी पे नाश करने से फुर्सत मिले तो हम जैसे पे ध्यान देना। ओए सिल्ली, खाना शाना खाना है कि नहीं खाना आज? आई मेसी, अभी आई, 2 मिनट। सॉरी, अब तो सच में जाना पड़ेगा वरना मेसी बहुत डांटेगी मुझे। ठीक है, आप जाइए, टॉक टू यू लेटर। और हाँ, ब्रेकफास्ट चैलेंज को याद रखिएगा। आप भी। और सबूत चाहिए मुझे, पिक्चर भेजना। और हाँ, दवाई टाइम से ले लेना। बाय बाय। आपको और कोई काम नहीं है क्या? जब देखिए हमें पिकअप या ड्रॉप करने की बातें करते रहते हैं। आप सच में कोई काम करते हैं? बस यही काम है आपका? On the rocks, same. मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर लोग दिन में भी शराब पीते हैं। I mean it's good. मैं actually नया आया हूँ यहाँ पर, so I just thought I'll give you company. Really? Cheers. लेकिन ड्रिंक आपको I'm sorry अकेले ही पीनी पड़ेगी। किसी और दिन मिले तो जरूर चीयर्स करेंगे। You know, मेरे हिसाब से दो टाइप के लोग शराब पीते हैं। एक वो जो अकेले होते हैं और दूसरे वो जो अकेला महसूस करते हैं। लेकिन दोनों के साथ नई कंपनी इज फैंटास्टिक। मैं वैसे टाइप 1 हूं। आप? Excuse me. One more. माँ, हाँ वो मीटिंग में आपको कॉल करते हैं। जी। टाइप 2, मिस्टर राघवेंद्र बारो। Listen, I don't mean to be rude, but it's not a good day. फिर किसी और दिन। मिस्टर राघवेंद्र बारोट जी, आपसे तो मैं आज ही मिलने वाला हूँ। मतलब एक्चुअली आप मुझसे मिलने वाले थे। एक्चुअली हमारी दोनों की मीटिंग शाम को होने वाली थी, लेकिन थोड़ी जल्दी हो गई, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर। आई एम सॉरी, हम एक दूसरे को जानते हैं क्या? आई मीन मुझे तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपको कौन नहीं जानता। समरालू वालिया, दिल्ली से। आपकी कंपनी में टेंडर भरा था, तो स्पेशली आपको मिलने आया हूँ यहाँ पर रानागढ़ में। हाय। माँ, हम देखते भैया कहाँ रह गए। सॉरी, थोड़े से लेट हो गए हम। एक्सट्रीमली सॉरी। अब लोग मेले में खो जाते हैं, हमारे भैया मीटिंग में खो गए, वो भी सुबह सुबह वाली बगीचे वाली मीटिंग। गए तो शिवेंद्र भैया बन के थे, वापस आए डूड बन के। क्या बात है। अब हम ब्रेकफास्ट पर ध्यान दें जी। अभी दाई ब्रेकफास्ट सर्व किया जाए। मालिक साहब को सुबह ब्रेकफास्ट भेजा था, उन्होंने वापस भिजवा दिया और अपनी पसंद का ये ब्रेकफास्ट बनवाया है। जी हमने ही कहा था, बहुत सुना इस डेलिकेसी के बारे में। Apparently it's a combination of different flavors, तो हम ट्राई करना चाहते थे। अब it's very simple, मैं आपको बताता हूँ। ये चाय ले लेते हैं और फिर ये लड्डू लेना है आपको और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय में मोतीचूर की लड्डू को डुबाइएगा। ऐसे बीच में से तोड़ना चाय में डुबोना और खा जाइए। मक्खन क्या? मैं कह रहा था कि बहुत ही टेस्टी। आई थिंक यू गाइस शुड ट्राई इट, इट्स यमी। ट्राई इट, या तोड़ के डुबा देना है। यस। ओके। ये क्या हो गया भैया माय सन? ओटमील में तो बैन लगा देना चाहिए। टेस्टी भैया, ये डेलिकेसी तो कमाल की है। वैसे कहाँ की है भैया? ये आप अकेले अकेले खाएंगे या हमें भी देंगे? प्लीज वापस दीजिए। ये नहीं देने वाले हम। ठीक है अमिताई, एक काम कीजिए, ये रैप्स लेके जाइए और मोतीचूर के लड्डू भेजिए। जी आज मोतीचूर के लड्डू जीत गए घास फूस से। माँ आप भी ट्राई कीजिए ना। हमें याद नहीं है कि कब ब्रेकफास्ट के लिए इस महल में कुछ और सर्व किया गया। हमें बदलाव पसंद नहीं है। आप लोग एंजॉय करिए, हमें थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। हम अपने कमरे में जा रहे हैं। अमिताई, माँ का नाश्ता कमरे में भेज दीजिए। जी। एक काम करते हैं, साथ में एक सेल्फी ले लेते हैं विद लड्डू। या कम आज शिवेंद्र की हालत देखकर हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली बार हमारे डाइनिंग टेबल पर हमारी इजाजत के बिना कुछ नहीं परोसा जाएगा। ठीक है जी रानी साहिबा। आपने तो अदरक वाली चाय में मोतीचूर के लड्डू को डुबोकर खा लिया मिस्टर थैंक यू मिस्टर सॉरी। अब मेरी बारी है। सो ये रहा ओए सिल्ली सिल्ली क्या हुआ भाई, खुद से ही गल्ला कर रही है। मैसी मैं तो हमेशा अकेले ही बातें करती रहती हूँ, कौन सी नई बात है। आप जाके बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पराठे लेकर आती हूँ मक्खन मार के। हाँ भाई मेरे लिए तो पराठे बना रही है मक्खन मार के, लेकिन खुद के लिए घास फूस क्यों बना रही है, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये इसकी सगी मासी नहीं है। खुद के लिए भी पराठे बना ले हैं? अभी लाई सिली। अरे भाई ताकत ना मक्खन और पराठों में होती है, इस घास फूस में कुछ नहीं रखा। हाँ जी मैसी रहने दो मम्मा, आजकल सुरीली नई नई चीजें ट्राई कर रही है ना सुरीली। मासी आप उसकी सुनो मत, आप चुपचाप नाश्ता करो। ओए डी से डाकू, न्यू ब्रेकफास्ट ट्राई करेगी मासी के साथ। नो मासी। क्यों? आज तो नींद पे डाका पड़ा हुआ था, अच्छे से सोई नहीं है। क्यों भाई क्या हो गया? तो ठीक है ना? पता नहीं ढंग से सोई नहीं, पूरा बेड गीला कर दिया था, कहती पानी गिर गया, पूरी रात सोफे पे सोना पड़ा। मैं तो सो गई थी तो मैंने सुबह उठ के देखा। डाकू तो ठीक है ना? ओए डाकू एक मिनट। तो कैसा था शेफ स्टाइल हेल्दी ब्रेकफास्ट? बकवास, टेस्ट बड्स के लिए तो काफी अनहेल्दी। मेरी दिया ने भी हाथ लगाने से मना कर दिया। सॉरी आई गिव अप। एक चैलेंज के लिए मैं अपनी पंजाबी और बंगाली दोनों टेस्ट बड्स को टॉर्चर नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है ना बिट्टू, लेट हो रहा है स्कूल के लिए। ओके चलो बाय बोल दो सबको। बाय बाय बाय। सर सारे टेंडर्स आ चुके हैं, काफी सारी नई कंपनीज हैं। हमने आपकी सारी मीटिंग्स भी लाइन अप कर दी है। मिस्टर किरोड़िया के साथ आपकी ऑनलाइन मीटिंग है एंड मिस्टर आलूवाले के साथ आपकी मीटिंग शाम को है। So here you go. मैंने खुद बनाया है। ये कौन खाता है? 1540 बार देखने के बाद भी वीडियो उतना ही फनी है। थैंक यू हमारा दिन बनाने के लिए, हमें हंसाने के लिए। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस तरह ठीक देखकर। सर ठीक से ज्यादा खुश देखकर, क्योंकि सर हम बहुत ज्यादा डर गए थे सर। एंड सर आप मानेंगे नहीं कि यहाँ मुंबई ऑफिस में सब आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं सर। दे आर मिसिंग यू सो मच। बंदिश आपको अंदाजा ही नहीं है कि हम मुंबई को कितना मिस कर रहे हैं। सच बताऊं जिस दिन डॉक्टर ने हमें ओके कहा हम सीधा मुंबई में होंगे उस दिन। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। सो सर इफ यू से हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। हमने पूरी टीम को ऑनलाइन मीटिंग के लिए ज्वाइन कर दिया है एंड व्हेनेवर यू आर फ्री सर आई विल ऐड यू आल्सो सर। यस चलिए, मेरे टॉर्चर से अगर आपको खुशी मिली तो वो टॉर्चर भी फन है। वैसे हम चैलेंज जीत गए। आप तो कह रही थी कि आहूजा कभी नहीं हारते। अब थैंक यू कहिए मुझे, मैंने तो हार के भी आपकी लाइफ में स्वाद भर दिया है। ये चाय और मोतीचूर का कॉम्बिनेशन तो आप अपनी लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं कर पाते। सर एवरीवन इज जॉइंड। हाय हाय। सो रनकगढ़ से ओरिजिनेट होने वाली इको टूरिज्म बसेस के प्रोजेक्ट्स के टेंडर आ चुके हैं। विनीत इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट एस्टिमेट बताइए प्लीज। या आपसे मिलने से पहले तो हमारी लाइफ में स्वाद ही नहीं था, लेकिन सच तो ये है कि हार से आपका स्वाद खराब हो गया। आप हार गई और हम जीत गए। यू ओ मी वन। हाँ हाँ ठीक है, आई ओ यू वन। हैप्पी नाउ? आप बताइए कैसा लगा लड्डू और चाय सबको? एज यू ऑलवेज से मक्खन, मजा आ गया। आप तो बिल्कुल मेरी जैसी बातें करने लगे हैं मिस्टर शिवेंद्र बारोट जी। आपका स्वाद लड्डू विथ चाय वाला हमें पसंद आ गया मिस सुरीली आहूजा बैनर्जी। इंसान तो वही बन जाता है जो वो खाता है। चलिए, हमने अपनी साइड की बार्गेन रखी, अब आपकी बारी है। हमें गाना रिकॉर्ड करके भेजिए। सासा आहूजा कुठे आहे? बोला तला सर, तेरे को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलने का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.